जी तो क्लास अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। यस्टरडे हमने जहाँ पर अपना लेक्चर ड्रॉप किया था, हम यूनिवर्स को पढ़ रहे थे और हमने फर्दर सोलर सिस्टम को स्टार्ट करना था। मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि गैलेक्सी किस तरह होती है और हमारी यूनिवर्स में कितनी, पूरी यूनिवर्स में बहुत सारी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज का एक मजमुआ है और उन्हीं मुख्तलिफ गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी मिल्की वे है, जिस मिल्की वे का हिस्सा हम है, हमारा सन है और इसके जो प्लैनेट है और प्लैनेटरी सेटेलाइट्स हैं जो इसके गिर्द घूम रहे हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के ऐसे छोटे वजूद भी हैं जिनको एस्टेरॉइड्स, मीटेराइड्स, कॉमेट या इंटर डिसिप्लिनरी या इंटर प्लैनेटरी प्लाज्मा भी बोला जाता है। ये मुख्तलिफ तरह की इस्तलाहात, ये टर्म्स जो मैंने बोली हैं, लाइक प्लैनेट को तो आपको पता है ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट कि जो किसी के गिर्द घूम रहा होता है, लेकिन ये एस्टेरॉइड्स और मीटेराइड्स या कॉमेट्स क्या मौत चीजें होती हैं, ये हमारी फिजा में, हमारी खला में मौजूद हैं और ये किस तरह एक प्लैनेट से डिफरेंट होते हैं, ये फर्दर हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें अपने सोलर सिस्टम को पढ़ना है। ठीक, होप सो आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पहला सोलर सिस्टम का प्लैनेट है, मर्करी मौजूद है। दिस इज नोन एज द वन ऑफ द स्मॉल सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज द क्लोजेस्ट मोस्ट ऑफ द सन। और इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 0.38 नॉटिकल एस्ट्रोनॉटिकल माइल्स जो है, या एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट इसको बोला जाता है, ये सूरज से सिर्फ इतने फासले पर है। और इसका एक चक्कर जो है सूरज के गिर्द वो 88 अर्थ डेज के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि एक साल में 365 दिन है, 365 दिन एक साल में होने का मतलब ये है कि जमीन सूरज के गिर्द 365 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है, अपना एक सर्कल जो है रोटेशन का वो पूरा करता है। तो इसका ये मतलब है कि जमीन के 88 डेज के अंदर मरकरी ने सूरज का के गिर्द जो उसकी रेवोल्यूशन है वो पूरी करनी है, मतलब सर्कल अराउंड द सन वो उसका 88 अर्थ डेज के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा। और मरकरी इतना करीब है अर्थ के, जिसकी वजह सॉरी सन की, जिसकी वजह से इसका अपने जो है मून बजाहिर नहीं है, लेकिन मरकरी के ऊपर कुछ होल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से दे लुक लाइक सन बट एक्चुअली दे आर नॉट देयर मून्स। ठीक, तो उसके बाद जो दूसरा प्लैनेट है इट इज वेनस, और वेनस इज आल्सो नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, क्योंकि जितना इसका साइज है और जितना हमारे अर्थ का साइज है, दोनों का मास और दोनों का साइज वॉल्यूम के लिहाज से एक जैसा है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। कहने को ये मरकरी से थोड़ा फासले पर है, लेकिन ये ऐसी गैसिक गैसेस का मजमू है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी जानलेवा किस्म की गैसेस मौजूद है। और आप अपनी नेकेड आई से वेनस को रात के वक्त देख सकते हैं। अगर आज पता नहीं क्या तारीख है, आई फॉरगेट इस्लामी आपकी तारीख, लेकिन जब आप चांद को देखो तो चांद के पास थोड़े फासले पर जो एक बहुत ब्राइटेस्ट स्टार आपको नजर आता है वो बेसिकली वीनस है। ठीक, और वीनस जो है ये अराउंड 225 अर्थ डेज के अकॉर्डिंग अपना एक चक्कर है सूरज के गिर्द वो कंप्लीट करता है सोलर सिस्टम में। सबसे पहले मरकरी आ गया, उसके बाद वीनस है। तीसरे नंबर पे जो सियारा सूरज से डिस्टेंस के लिहाज से हम देखते हैं, ये हमारा अपना सियारा है, जिस सियारे पर हमारी जिंदगी है, मतलब ये इट इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द नोन प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स के जहाँ पर हयात है, जहाँ पे जिंदगी है, जहाँ पर ऐसे अनासर मौजूद हैं कि यहाँ पर बसने वाली जो मखलूक है वो जिंदा रह सके। आप लोगों ने सुना होगा कि स्पेस साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत सारी ऐसी तजर्बात कर रहे हैं कि वो ढूंढ सकें कि हमारी अर्थ जो कि इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है, इस पर बहुत सारे मसाइल का सामना है, तो हम ऐसे सियारे ढूंढने निकले हैं कि जिसके ऊपर जिंदगी मुमकिन हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब तक नाकाम है इस काबिश में, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इसी जमीन पे उतारा है और ये इन्वायरमेंट जो है इसका वो इंसान की बका के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है, हमें यहाँ पर अगर
खुराक चाहिए तो जिंदा रहने के लिए, तो यहाँ पर खुराक उस तरह से उग सकती है, यहाँ पे वो सपोर्टेड मिट्टी मौजूद है, और सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी, यहाँ पर पानी का वजूद मौजूद है, ठीक। जबकि हम जितने भी सियारे पढ़ेंगे, मैंने पहले जो मरकरी और वीनस के नाम लिए थे, उनके वो सारे गैसेज हैं, ये टॉक्सिक गैसेज हैं, ये ऐसी चीज है कि जहाँ पे इंसान का वजूद मुमकिन ही नहीं है। एनवायरनमेंट के लिहाज से भी देख लें, वो दोनों जमीन जो दोनों सियारे हैं वो दोनों सन के इतने करीब हैं कि वहां पर आप जिंदा ही नहीं रह सकते, दे आर द हॉटेस्ट वन, ठीक है। तो जमीन को हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने अर्थ को भी पढ़ना है इस हवाले से। सोलर सिस्टम में हम बस यही देखते हैं कि इसका जो टोटल डायामीटर है ये 12,756 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस है, टोटल डायामीटर है इसका, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्लेजेंट किस्म की जो हम फर्दर आगे जाके जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अर्थ का, तो उसमें हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। हम आगे चलते हैं, चौथा सियारा जो है, अब देखिए अल्लाह ताला ने हमें जिस पोजीशन के ऊपर रखा है, यह ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज्यादा सियारा गर्म है, क्योंकि जब हम अर्थ से थोड़ा सा आगे जाते हैं मार्स की तरफ, तो मार्स भी गर्म है लेकिन फिर यहाँ पे जिंदगी जो है मुमकिन नहीं, क्योंकि मार्स जो है, जैसा कि आप ये पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं कि मार्स इज अ बैरन डेजर्ट, आप मुकम्मल सहरा में भी आपकी जिंदगी मुमकिन नहीं है, और यहाँ पे रेड डस्ट है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मार्स और द रेड प्लैनेट आल्सो, और यहाँ पानी का वजूद नहीं है। अब अगर जहाँ पानी नहीं है वहां जिंदगी नहीं है, तो जब जिंदगी नहीं है तो वहां सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, ठीक है। फर्दर जब हम आगे जाते हैं तो इसके जो मार्स है ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 687 डेज के अंदर मुकम्मल करता है, और इसका टोटल डायामीटर 6,787 किलोमीटर है, और पहले जो दो सियारे थे वीनस और मरकरी, इनका कोई अपना सैटेलाइट नहीं था, मतलब इनका कोई चांद नहीं था, ठीक। और हमारा अर्थ जो है उसका एक चांद है, और मार्स के दो चांद हैं, ठीक, जिनके एक का नाम फोबिस है और दूसरे का नाम डायमोस है, ठीक। उसके बाद जो पांचवा सियारा आता है उसका नाम जुपिटर है, जुपिटर इज अ डेंस क्लाउडी एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, अगेन यहाँ पर भी जिंदगी मुमकिन नहीं है, ठीक। हमारे लिए हाइड्रोजन जो है वो सर्वाइवल के अगेंस्ट है, हीलियम आप थोड़ा सा उस हीलियम को अगर सूंघ भी लो आपने बेहोश होके गिर जाना है, क्योंकि ये एक टॉक्सिक गैस है। इट इज एक्चुअली द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इट्स डायमीटर इज 143,000 किलोमीटर्स, एंड जुपिटर ऑर्बिट द सन वंस आफ्टर एवरी 11.86 ईयर्स, मतलब 11 साल लगते हैं इसको सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल होने में, ठीक है। और ये वो सियारा है कि जिसके गिर्द आपने देखा होगा कि एक जो आगे जाके तस्वीर भी आपको दिखा देती हूँ इसकी, कि ये वो सियारा है कि जिसके गिर्द एक आपको बारीक सी जो है ना एक लाइन सी नजर आ रही होती है, काफी थिक किस्म की। तो इसकी इसकी इस सियारे के 16 मून है, 16 चांद है इसके। उसके बाद सैटर्न आ जाता है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, एंड इट्स फीचर स्पेशल फीचर इज द सुपर्ब रिंग ऑफ द सैटर्न गैस व्हिच हैज द अपीयरेंस ऑफ द लार्जर एक्सट्रीमली थिन एंड द फ्लैट सर्कुलर शीट, और मजे की बात यह है कि इसके 22 चांद है, सैटर्न के टोटल 22 मून्स हैं, जुपिटर के 16 मून हैं, मार्स के दो चांद हैं, हमारे जमीन का एक चांद है। ये आप साथ साथ इस चीज को भी याद करोगे, क्योंकि आपके पेपर में मिड टर्म्स में एज ऑब्जेक्टिव भी इस चीज को पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यूनस आ जाता है, इट इज द इट हैज मोस्टली हाइड्रोजन एंड द हीलियम एटमॉस्फेयर इन 19.18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माइल्स अवे फ्रॉम द सन, और इसको तकरीबन 84 ईयर्स, जिस तरह एक इंसान जो है पैदा होता है और उसके बाद वो एक अपनी जो ओल्ड एज है वहां तक पहुंच जाता है, 84 साल लगते हैं इसको सूरज से गेट अपना एक चक्कर मुकम्मल करने का, और यूनस जो है इसके 15 चांद है, और ग्रीनिश कलर इसका है तमाम सियारों में। उसके बाद आता था नेपच्यून, नेपच्यून इज स्मॉलर सिमिलर टू यूनस, बिल्कुल वैसा ही है, ग्रीन कलर में ही है ये भी,
और इसको 164 ईयर्स लग जाते हैं सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में, लेकिन इसके सिर्फ दो चांद हैं। आपने पहले पढ़ा मरकरी और वीनस के चांद नहीं है, अर्थ का एक मून है, मार्स के दो मून हैं, उसके बाद हमारे पास जुपिटर आता है, जुपिटर के हमारे 16 मून थे, सैटर्न के आप देख सकते हैं 22 मून हैं, उसके बाद यूनस जो है इसके 15 मून हैं, और नेपच्यून दोबारा नीचे की तरफ हमारे हैं तो इसका इसके भी दो मून आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लूटो, प्लूटो के साथ ये है कि प्लूटो इज द मोस्ट डिस्टेंट अवे प्लैनेट, जितना दूर है उतना ही छोटा है, और इसका टोटल डायमीटर 400 किलोमीटर है, ठीक है। अब एक डिबेट ये भी शुरू हुई थी पिछले डिकेड में, 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कि क्या प्लूटो एक प्लैनेट की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। नासा ने बकायदा तौर पे जो पूरी दुनिया की स्पेस साइंस में डोमिनेटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बकायदा तौर पर ये चीज रीडिफाइन करने की कोशिश की पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को बिठा के, कि प्लैनेट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है जो इसका डायामीटर है 400 किलोमीटर सिर्फ, ठीक है। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पेस में जो मुख्तलिफ चीजें थी, हमने ऊपर नाम पढ़े थे एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, ठीक है ना, इंटरस्पेस जो पार्टिकल्स हैं जो घूम रहे हैं, ठीक है ना, उनके डायामीटर इस प्लैनेट जो है उसके डायामीटर से भी बड़े हैं, मतलब वो इतने बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स या मीटेरॉइड्स हैं कि जो 400 किलोमीटर से भी बड़े हैं। तो उसके ऊपर भी इन्होंने प्लूटो को अपनी डेफिनेशन से निकाल दिया था, लेकिन हमारे कार्यकुलम में स्टिल इसको काउंट किया जाता है कि प्लूटो इज स्टिल अ प्लैनेट, क्योंकि अभी तक जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो इस चीज का के में को ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इन दिस सेंस कि अगर ये इसका साइज छोटा है और इसको प्लैनेट की डेफिनेशन से बाहर निकाल भी देते हैं, लेकिन ये घूम तो हमारे सन के गिर्द रहा है, ठीक, और इसका जो एक चक्कर है वो 248 साल का एक चक्कर है, मतलब 248 ईयर्स लगते हैं इसको सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने पर, क्योंकि जितना जो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट सन के जितना करीब होगा उतना जल्दी वो एक चक्कर लगा लेगा, ठीक, और जितना दूर वो होगा उतना ही ज्यादा अर्सा लगेगा उसको पूरा एक चक्कर लगाने का। अब जितना दूर ये सन से है उतना ही इसका टेम्परेचर भी लो है, ठीक, और इसका सिर्फ एक चांद है। ये तो मैंने आपको सारा सोलर सिस्टम के बारे में बता दिया, ठीक, लेकिन आगे जो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है मजे की है, और ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है, आप लोगों को ये लाजमी याद करना चाहिए। मैंने आपके साथ रीडिंग जो है वो शेयर कर दी है इस हवाले से, इसमें पूरी डिटेल है इसके बारे में। स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपका प्लूटो है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, कोल्डेस्ट कौन सा है, ठीक, हैवीएस्ट कौन सा जो सबसे ज्यादा डेंस है, लाइटेस्ट कौन सा है आपका प्लूटो, डेंसीएस्ट मतलब ऐसे ऐसा डेंस का मतलब होता है ऐसे चीज इसमें सबसे ज्यादा कसाफतें मौजूद हो। अगर आप मेडिकल पढ़ के पीछे से आए हो, एफएससी करके आए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में भी ये चीज की वजह से किस किसी चीज में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको डेंस बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारे जो अर्थ है अल्लाह ताला ने हम ये बहुत ज्यादा बैलेंस बनाई है, हमें जो चीज अपने एनवायरनमेंट में चाहिए हमें अल्लाह ताला ने वो यहाँ प्रोवाइड की है। ये नहीं है कि पूरे के पूरे अर्थ को जो है वो ऑक्सीजन का बना दिया है, ये पूरे के पूरे अर्थ को हाइड्रोजन का बना दिया है। जितने आपको प्लैनेट्स मिलेंगे उसमें जितना कुछ मौजूद है वो सारे कुछ कुछ पोर्शन के लिहाज से हमारे अर्थ में मौजूद है, ठीक। उसके बाद डिस्टेंस के लिहाज से भी इसकी दो डिविजन्स हैं, फर्देस्ट अवे दूर बहुत कौन सा है, ब्राइटेस्ट कौन सा है, ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, ये तमाम की पूरी लिस्ट है। ये आप इसको साथ साथ याद भी करोगे और ये आपके कोर्स में और सिलेबस में भी मौजूद है। उसके बाद सन, सन हम पूरे सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट सन, के सन खुद क्या चीज है, ठीक। इसकी कंपोजिशन तीन लिहाज से की जाती है, कंपोजिशन ऑफ ऑफ द सन उसकी किन चीजों का मजमुआ है, ठीक, फिर उन चीजों की वजह से उसका टेम्परेचर कितना रहता होता है, और उसके बाद हमने उसका जो उसका मास है, डायमीटर है और उसका डिस्टेंस है
फ्रॉम द अर्थ, उसको भी स्टडी करना. तो जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके कंपोजिशन में तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं, दो बेसिक एलिमेंट्स हैं और बाकी 2% जो है वो दूसरे हैवी एलिमेंट्स हैं, लाइक उसमें गोल्ड है, उसमें यूरेनियम है, उसमें प्लांटोनियम है जो अर्थ की हैवी एलिमेंट्स में मौजूद है. उसके अलावा हाइड्रोजन का 90% इसका कंपोजिशन में है और 8% इसमें जो है हीलियम मौजूद है. यही चीज जिस वक्त हम फर्दर आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका टेम्परेचर दो तरह से है, एक क्रोमोस्फेयर है और एक फोटोस्फेयर है. फोटोस्फेयर वो स्फेयर है कि जो आपको अपनी नेकेड आई से सूरज नजर आता है, और उस नेकेड आई से नजर आने वाली जो अपर लेयर है सन की, उसका टोटल टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है. मतलब आप अपनी डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप अपनी नेकेड आई से सूरज को डायरेक्ट ना देखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सूरज को देखेंगे तो आपकी बिनाई भी मुतासिर हो सकती है, डॉक्टर मना करते हैं. तो आप खुद देखो कि इतनी ब्राइटेस्ट चीज है ये, इतनी एनर्जी इतनी फेंक रहा है, तो उसके अंदर कितनी कितना टेम्परेचर होगा. तो जो क्रोमोस्फेयर है, जो जिसको हम कभी कोई दुनिया की मशीनरी नहीं जाके उसको देख सकी, क्रोमोस्फेयर उसको मैयर किया गया है तो पता चला है कि वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस उसके अंदर का टेम्परेचर है. ठीक है, जब उसके फिजिकल कॉन्टेंट्स की बात करते हैं, जो आपके सामने मास, डायमीटर और उसकी जो डिस्टेंस वगैरह है वो ऑलरेडी मेंशन है. हम फर्दर आगे चलते हैं तो पता चलता है कि सूरज कब बना था. एक सिंपल सा सवाल होता है, बनाने वाला अल्लाह है, हमारा तो ईमान ही है ना कि अल्लाह ताला ने बनाया. ठीक है, तो उसने कौन कहा और वो चीजें तख्लीक पा गई. लेकिन जब हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन तमाम चीजों को पढ़ते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो हमारे वेस्टर्न साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि पूरी दुनिया, ये पूरी यूनिवर्स जो है, ये बिग बैंग एक एक्सप्लोजिव था, एक बहुत बड़ा एक धमाका हुआ था, उसकी वजह से मार्ज़े वजूद में आई थी. तो वो जो बिग बैंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्लास्ट था जिसकी वजह से पूरे तमाम सोलर सिस्टम और पूरी यूनिवर्स बनी थी, ये बेसिकली आज से 4.6 बिलियन ईयर्स को पहले हुआ. तो हमारी जो सन है इसकी एज 4.6 बिलियन है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. ठीक, वो कहते हैं कि जी इतना अर्सा पहले था, इससे पहले जो था ये मतलब ये प्लाज्मा स्टेट में था है, और ये फोर्थ स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है. ठीक, फर्दर अब हमने उन चीजों को डीपली नहीं पढ़ना, इस वजह से हम बस यही चीज देखेंगे कि ये इसकी एज क्या है और इसका टोटल मास क्या है. फिर हम ये देखेंगे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एनर्जी किस तरह की होती है. आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर धमाके किए जाते हैं. हमारी जमीन के ऊपर दो बड़े फेमस न्यूक्लियर अटैक्स हुए हैं, मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव जो थे वो फटे थे. तो एक जो फेमस है वो हिरोशिमा और नागासाकी का है, दूसरे कुछ और हैं चेर्नोबिल और इस के. लेकिन ये कि वो जो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो दो कॉन्सेप्ट से बनता है, फ्यूजन और डिफ्यूजन. तो सूरज की जो सरफेस है उसके ऊपर हर वक्त धमाके होते रहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के. मतलब वहां पर मौजूद जितना भी वो जो हीलियम है, और मैंने आपको बताया 2% जो है हम ऊपर पढ़ चुके हैं. ये देखें, मैं दोबारा वो खोल के दिखाती हूँ आपको. ये हैवी एलिमेंट्स में 2%, बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स हैं. तो जो ये 2% है इसमें यूरेनियम है, प्लांटोनियम है. अब हीलियम जो कि 8% है, जब भी यूरेनियम के साथ या प्लांटोनियम के साथ मैच होता है तो उसकी वजह से वहां एक्सप्लोजन्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, और यही एक्सप्लोजन्स हमें हीट प्रोवाइड करते हैं. ये जो आपने कभी सुना होगा कि सूरज से जमीन तक पहली जो रोशनी की किरण है वो 8 मिनट उसको उसका ट्रेवलिंग टाइम है, 8 मिनट लगते हैं सूरज से जमीन तक जो किरणें हैं उनको पहुंचने में. तो बेसिकली वो एक जो ये सूरज की जो हीट होती है ना, ये बेसिकली इतने डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियर वहां पे फ्यूजन हो रहे हैं जो मुख्तलिफ गैसेस की आपस की मिक्सिंग की वजह से हो रहे हैं. ठीक है, तो ये जो हीट है ये लम्हे ने आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं कर दी कि वो गोला है वो हर वक्त रोशनी प्रोवाइड कर रहा है या वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन्स हैं जो चल रहे हैं. एनी हाउ हम मून की तरफ आते हैं, तो जो मून है ये हमारा ओनली नेचुरल सेटेलाइट है, जो कि हमने पहले कहा कि हमारी जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, और जो हमारा चांद है वो हमारे जमीन के गिर्द हरकत में है. तो बेसिकली दो फिनोमेना है, दो तरह की ये चक्कर चल रहे हैं,
एक ही अपना भी सर्कल घूमते हुए निकालता है और दूसरा ये चक्कर कंप्लीट करता है सूरज के गर्द, जो ये अपना एक चक्कर घूमने में एक चेंज करता है उससे दिन और रात बनते हैं, ठीक है। और जो ये पूरे सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है उसमें चेंज होता है आपका साल, ठीक। तो इसको रेवोल्यूशन और रेजोल्यूशन बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और इसको हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक। आज के लेक्चर में ही हमने इस चीज को कवर करना है। उसके बाद अर्थ आ जाता है, क्योंकि हमने हमारा बेसिक टॉपिक सोलर सिस्टम के बाद जो था आगे वो अर्थ है। अर्थ को हमने पहले पढ़ लिया था कि एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है, पानी यहाँ मौजूद है और इसके डिफरेंट तरह के फीचर्स हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स में इसकी लाइफ के बारे में भी है कि यहाँ से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है यहाँ पर तखलीक पा गया था, लेकिन इसकी यहाँ पर जो जिंदगी है वो आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई, ठीक। उसके बाद इसकी रोटेशन पीरियड जो है वो 23 आवर्स 56 मिनट है, मतलब ये अपना एक चक्कर घूमती अपना भी एक चक्कर पूरा करती है जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं आपके 24 आवर्स, बेसिकली इसकी रोटेशन की वजह से है, ठीक। और ये जो अपने इसका रेवोल्यूशन है जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाने का है वो 365 डेज पे मुश्तमिल है, ठीक है। उसके बाद जमीन का मास जो है वो यहाँ पे गिवन है, इसका टोटल इक्वेटर डायमीटर्स 12,756 किलोमीटर है। इसकी तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, ठीक। हम इसको जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ की इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन हम फर्दर इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। तीन तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, पहले इसकी क्रस्ट है, देन इसका मेंटल है, और उसके बाद एंड पे इसका कोर आता है, ठीक। मैं इसकी मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको पिक्टोरियल एक डिस्ट्रीब्यूशन एक करूंगी, वो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। जमीन की स्ट्रक्चर को भी हम अभी पढ़ते हैं 2 मिनट तक, फर्दर हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं अर्थ के फीचर्स को। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी आज हमने इसमें फर्दर पढ़ना है, और इसकी डिवीजन जो है ताकि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उसकी पोजीशन उसकी लोकेशन को हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की इमेजिनरी लाइन से। ये जमीन के ऊपर मौजूद लाइंस नहीं है, ये हमने खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन लाइंस को डेवलप किया है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि पूरी दुनिया पे पूरी अर्थ पे कौन सी जगह किस जगह पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो अर्थ सरफेस है इट इज रिच इन सिलिकॉन एल्यूमिनियम आयरन कैल्शियम सोडियम ऑक्सीजन एलिमेंट्स, मतलब ऊपर की सतह पर ये तमाम मौजूद चीजें मौजूद हैं, जबकि जैसे जैसे जमीन के अंदर चलते चले जाएंगे लिथोस्फेयर के अंदर जाते जाएंगे तो आपको इससे भी ज्यादा डेंस मटेरियल या डेंस चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को तमाम पॉइंट समझ आ गए हैं, कोई चीज जो थोड़ी मुश्किल लगी हो प्लीज मुझे बताएं। जी मैम सारा क्लियर है। क्लास मैम सारा क्लियर है, सब समझ आ गई है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे बताएं कि आपको ये चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जी मैम आ रही है सारी समझ। जी आयशा आप कुछ कह रही थी? मैम कह रही हूँ आ रही है समझ सारी। अच्छा सही सही मैम सारा क्लियर है, ठीक है थैंक यू। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी मैम बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज अगर आपको कोई इशू हो तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि फिर मैं चेंज करूँ इसे। नहीं ठीक है। ठीक है मेरा बेसिकली ये चीज यहाँ पे
जी क्लास, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है जो हमने फर्दर अब पढ़ना है वो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। अर्थ का मैंने आपको बताया कि इसके तीन पार्ट्स हैं। पहले अर्थ क्रस्ट है, उसके बाद अर्थ मेंटल है, और तीसरी चीज जो है वो अर्थ कोर है। एक मिनट मैं आपको जरा पॉज करती हूँ, दोबारा दिखाती हूँ कुछ चीजें। ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है क्लास? जी मैम, आ रहा है, आ रहा है। ये देखें, अब आपकी जो ये वाइट और ये जो वाइट कह रही हूँ, ब्लू और जो ग्रीन है, ये आपकी अर्थ क्रस्ट है, वो सरफेस जो हमें बाहर से नजर आ रहा होता है, ठीक है। और ये सरफेस जब हम देखते हैं, ये इसको क्रस्ट बोलते हैं, आउटर क्रस्ट बोलते हैं, बाहर की साइड से। उसके बाद जो ये आपको ऑरेंज कलर की चीज नजर आ रही है, ये हमारी इसको मेंटल बोलते हैं। और मेंटल के बाद जो येलो और वाइट दो चीजें हैं, ये कोर कहलाया जाता है। कोर की फर्दर डिवीजन है, एक इनर कोर है जो व्हाइट कलर में है, येलो कलर में आउटर कोर है, बाहर की तरफ मजीद आते हैं तो मेंटल है, और सबसे बाहर जो आपको जमीन की साख नजर आ रही होती है जिसके ऊपर हम चलते हैं, ये आउटर क्रस्ट इसको बोला जाता है। जब हम फर्दर अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अर्थ क्रस्ट है इसमें भी दो तरह की क्रस्ट है, एक ओशनिक क्रस्ट है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मैंने आपको बताया था कि जमीन जो है वो 1:3 रेशो के लिहाज से मौजूद है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हमारी जमीन पे 1% जो है वो खुश्की है और 3% इसमें पानी है। तो पानी की भी एक सतह होगी जो पानी के अंदर जमीन है, ठीक है ना, उसको ओशनिक क्रंट ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। और वो चीज जिस सरफेस के ऊपर हम चलते हैं इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब हम ये चीजें जानते हैं कि जो इसमें जो आपकी रीडिंग में लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं। एज द ओशनिक क्रस्ट इज कंसर्न, इट इज मच थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द ओशनिक क्रस्ट रेंज फ्रॉम 7 to 10 किलोमीटर। अगर मतलब इसका ये मतलब है कि अगर हम समंदर के अंदर जाके डिगिंग करना शुरू कर देना तो 7 से 10 किलोमीटर के बाद आपकी मेंटल शुरू हो जाती है। ये वही जगह है जो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रही हूँ। ये अगर आप समंदर के अंदर जाके डिगिंग करना शुरू करेंगे ना, तो जो आपका ऑरेंज पार्ट है ये 10 किलोमीटर के बाद निकल आएगा, मतलब आपको इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जबकि अगर आप ये अपने इसको जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आप उसको डिग करना शुरू करें, तो फिर ये पता चलता है कि आपकी जो सॉरी आपकी जो डिगिंग है वो 20 से 40 किलोमीटर आपको डिग वर्टिकल करना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक, तब जाकर आपको जो मेंटल है वो मिलता है, मतलब जो सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ है वो, ठीक। इवन बाज जगहों पर तो ये इतनी सख्त है कि 70 किलोमीटर आप नीचे जाएंगे तो उसके बाद आपको जो क्रस्ट है वो मिलेगी, सॉरी मेंटल मिलेगा। अब जो हमारी कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट है इसमें सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है और बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं कि जो हमारी जमीन को पानी के ऊपर बरकरार रखने पर मददगार साबित होता है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि आपकी जो जमीन है ये पानी के ऊपर तैर रही है, अल्लाह ताला ने इसे टेक्टोनिक प्लेट्स और माउंटेन्स के जरिए इसको साबित रखा हुआ ताकि ये हिले ना, क्योंकि अगर ये हिलेगा जलजला आएगा और हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज इस तरह होती है। उसके बाद हमारा मेंटल है, मेंटल जो है ये 29,000 किलोमीटर 2,900 किलोमीटर गहरा होता है। अगेन मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये जो आपका ऑरेंज पार्ट है
इसका डायामीटर टोटल ये चीज है, इसका डायामीटर आपका 2900 किलोमीटर है, ये जो इतना मोटी ये चीज है, और ये दुनिया के रिच जितने भी आपके मिनरल्स हैं ये इसमें मौजूद हैं। जो भी चीज आप खुदाई करके अपनी जमीनों से निकालते हैं वो सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है, और ये आपकी पूरी जमीन का 80% है। ठीक, उसके बाद इसकी भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जो मेंटल है, कितनी खुदाई करेंगे तो कौन सा मटेरियल निकलेगा, लोहा निकलेगा या फिर कोई गैस निकलेगी या पेट्रोल निकलेगा, वो बेसिकली इस मेंटल में पाया जाता है। फर्दर उसको मजीद आप जब डिग करते हैं तो वहां पर आपका कोर है, कोर आपका ये ऑरेंज और वाइट कलर में, ये येलो और वाइट कलर के जो ये दो हैं इसमें मौजूद है, और ये प्योर गैसेज हैं, इसके अंदर सिर्फ गैस है, इसके अंदर सिर्फ लावा है, ये वो उबलती हुई आग है जो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीजें आज पढ़नी थी, और नेक्स्ट हमने एटमॉस्फेयर को पढ़ना है, हमारी जो ऊपर की सतह जो क्रस्ट है उसमें कौन कौन सी चीजों का मजमू है, हमने यहाँ पर सरवाइव करना है, अर्थ से अल्लाह ताला ने किन किन चीजों को हमारे लिए पैदा किया। तो जो बेसिक कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में, वो मैंने आपको बताया था कि डेंस हमारा ये एक प्लैनेट है, तो इस डेंस प्लैनेट में कौन कौन सी चीजें मौजूद है। ठीक है, तो इसको जिस वक्त हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एरागॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, हीलियम है, ये तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं, और इसकी लेयर्स हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ड्रॉप करते हैं, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिए या मुझे लाइव बताइए, ताकि हम आपकी इन तमाम जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच।